अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जे वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए इस्लामिक अहम मालूमात आपको बताते हैं, तवज्जो फरमाइए। रमजान यानी रमजान शरीफ का महीना जो है वो कयामत के दिन किस तरह आएगा और अपने बंदों को यानी उसका हक अदा करने वालों को किस तरह अल्लाह ताला के पास ले जाएगा, इसका वाकिया आपको सुनाते हैं। तवज्जो फरमाइए। हदीस शरीफ में है कि कयामत के दिन रमजान निहायत अच्छी सूरत में होकर अल्लाह ताला को सजदा करेगा। वहाँ उसे हुक्म होगा, ऐ रमजान मांग, क्या मांगता है? और जिसने तेरा हक अदा किया हो उसका हाथ पकड़ ले। रमजान अपना हक अदा करने वालों का हाथ पकड़कर जुहूर में खड़ा हो जाएगा। फिर हुक्म होगा, ऐ रमजान तू क्या चाहता है? रमजान अर्ज करेगा कि इलाही, जिसने मेरा हक अदा किया है उसके सर पर इज्जत और वकार का ताज रख दे। चुनांचे अल्लाह ताला उसे 1,000 ताज अता फरमाएगा और 70,000 गुनाहे कबीरा करने वालों की वाबत उसकी शफात कबूल फरमाएगा और ऐसी 1,000 हुरों के साथ उसका निकाह कर देगा। फिर उसे बुरा पर सवार करा के पूछेगा, अरे रमजान अब तू क्या चाहता है? रमजान अर्ज करेगा कि इलाही, इसे अपने पैगंबर के पड़ोसी में जगह दे तो अल्लाह ताला उसे फिरदौस में भेज देगा और इरशाद फरमाएगा कि अरे रमजान अब क्या चाहता है? रमजान कहेगा कि इलाही, तूने मेरी हाजत तो पूरी कर दी लेकिन इस शख्स का सवाब और इज्जत किधर है? चुनांचे अल्लाह ताला उसे सुर्ख याकूत और सब्ज जबरजत के 100 शहर की हर शहर में 1,000 महल होंगे और इनायत करेगा। तोहफतुल वाइजीन